से कन्फर्म कर दो चार्टॉक्स में uh, so लास्ट सेशन में क्या होता है बहुत सारी चीजें कवर करने को हो जाती है ठीक है तो मैं देख सकती हूँ यहाँ बच्चे आ चुके हैं जल्दी जल्दी सारे बच्चे ज्वाइन कर लो साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी की नेक्स्ट क्लास जो हमारी होने वाली है मतलब नोमन आज हमारा खत्म हो रहा है नोमचर के बाद और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो हैं, वो सीखने ही हैं क्योंकि अगर हमें वो नहीं आए तो ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में तो तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है अच्छा तो जल्दी से, -पड़ से फटाफट हाय okay, तो हाँ 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 हाँ, एक तो कोमल नाम से है और एक हमारी कोमल और है दो कोमल है चक्रवर्ती

इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में एक नाम सेट करना था मतलब सबसे जो हमारे लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो होते हैं सब्सटीट सब्सटीटेंट्स के बाद में में वर्ड वर्ड रूट रूट के बाद में, जो सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक मैंने पिछली क्लास में नोटिस की जो मैक्सिमम बच्चों ने इनकी की इनफैक्ट अच्छे अच्छे बच्चों ने वो सिली मिस्टेक करी है एन इन आयन इन आयन हो रहा था तो लगा रहे थे ए इन को भूल रहे थे ठीक है जैसे पेंट टू ऑन पेंट नहीं था, था। तो सफिक्स वेरी वैल्युएलिक नहींगेनिक कंपाउंड में है तो जो मेन फंक्शनलिटी टेबल उसी कोई फंक्शनल रूप समझना है बाकियों की ऐसे तैसे मतलब बाकी को सब्सटीएंट्स वाला भाव देना है और सब्सटीट जो होते हैं उनके प्रिफिक्स

नीचे आते चले जा रहे हैं तो फटाफट से बच्चों पॉली फंक्शनल रूप एक से ज्यादा का ये एग्जांपल करके दिखाएंगे और आज भी आप एग्जांपल को नाम करेंगे देखते हैं आज हम 50 एग्जांपल्स कर पाते हैं कि नहीं ठीक है मैम आपको पता है सिर्फ मैं नहीं मेरे छोटे से भाई ने भी आपके सारे शॉट्स देखे हुए हैं ही इज द बिगेस्ट फैन मैम लव यू बहुत सारा अरे वाह स्वधा स्वधा तुम्हारे छोटे भाई का क्या नाम है हाय आर्यन और अभी कहां, अभी आने तो तो चीज़ें हैं, तो हैं, शुरू हुए ठीक है? है इसका नाम कौन बताएगा? हिंदी-इंग्लिश सब ही चल रहा इधर. So so बेटा. देखो फरीहा ने सबसे पहले बता दिया है थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटी इन टू ओन थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूट वेरी गुड बेटू फरिहा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड शाबाश हाँ आकृति ये सिलेक्ट करना सबसे पहला काम है नंबरिंग करते वक्त राइट से नंबरिंग स्टार्ट किया क्योंकि फंक्शनल रूप नजदीक आएगा तो नाम हो जाएगा अच्छा थ्री मिथाइल भी लगाया था ना फ्रिया थ्री हाइड्रोक्सी थ्री मिथाइल हाँ सही है श्रद्धा ने भी लगा दिया है ठीक है ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ठीक है तो ये देखो तीन पे मिथाइल है तीन पे हाइड्रोक्सी है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के ए बी सी डी एफ जी एच एच पहले आएगा तो थ्री हाइड्रोक्सी अब तुम कहोगे मैम भी बच्चों की तरह ए बी सी डी बोलने बैठ जाती है गलती नहीं हो इसलिए बोलते हो हाँ थ्री हाइड्रोक्सी थ्री मिथाइल ब्यूटेन अब यहां ब्यूट टू ऑन मत कर देना पिछली बार यह सबसे ज्यादा गलती हुई थी ठीक है ब्यूटेन टू ऑन ऑल चलो जी आगे बढ़ते हैं फंक्शन रूप ईस्टर्स ये कुछ कुछ फंक्शन रूप हमारे बच गए थे तो हम उसको भी स्टार्ट कर देते हैं। एक सेकेंड बेटा ईस्टर्स ईस्टर्स क्या होते हैं ईस्टर्स को मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ ये ईस्टर्स होते हैं आप अपने कॉपी या नोटबुक जहां पे भी आप नोट्स बनाते हो वहां लिख दो ये ईस्टर्स होते हैं आपको पता है ना पेरेंट कार्बन चेन तो कंटिन्यूस होती है उसमें कार्बन के बीच बीच में कोई हिट्रो आइटम ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन हाइड्रोजन नहीं आते हैं लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि पेरेंट कार्बन चेन ब्रेक हो रही है ठीक है ये देखो ऑक्सीजन आ गया बीच में इसका मतलब या तो इधर है पेरेंट कार्बन चेन या इधर है अब इस ईस्टर का ये रूल होता है इसकी शक्ल देख लो सबसे पहले तो आर सी डब्लो आर कूर आ, मैं इसको कई बार बोलती इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए पेरेंट कार्बन चेन हमेशा यही होगी ठीक है दिस इज पेरेंट चेन पेरेंट पेरेंट की स्पेलिंग गलत कर दी तैसे पेरेंट कार्बन चेन पेरेंट कार्बन चेन

मीथाइल ऑक्सीजन के बाद वाले को पहले नाम दे दो बाद वाले को पहले नाम दे दो मीथाइल मीथाइल फॉर दिस एंड ये मेन चेन है और दो कार्बन आइटम है इथेनोएट मीथाइल मीथाइल फॉर दिस एंड इथेनोएट एल्काइल एल्थाइल ही नाम इनका ठीक है चलो अगले का नाम तुम दोगे सी एच थ्री सी एच टू सी डबल ओ सी एच थ्री नाम दो इसको जैसे ऐसे एक्सपैंड करके लिख दो जो ऐसे लिख दो एक ही बात है कौन सबसे पहले नाम दे रहा है क्विकली थैंक यू थैंक यू सो मच मैम आई गेट पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम यू थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू जल्दी 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 जल्दी, जल्दी, जल्दी फटाफट इसका नाम कौन बताने वाला है मिथाइल प्रोपेनोइड फरिया ने सबसे पहले बता दिया है मिथाइल प्रोपेनोइड जो सबसे पहले बता रहे हैं मैं उसी का नाम शाउट आउट कर रही हूँ इसका नाम है मिथाइल सबसे पहले इसका नाम दे दो मिथाइल और फिर इसका नाम दे दो इसका ठीक है तीन कार्बन एटम है तो प्रोपेनोइड मिथाइल प्रोपेनोइड ओके चलो तीसरे वाले का नाम करेंगे नामकरण तीसरे वाले का मैं बॉन्ड लाइन ले रही हूँ बेटा बॉन्ड लाइन ले रही हूँ नाउ दिस टाइम इट इज अ बॉन्ड लाइन वन और यहां मैं सी एस टी लगा रही हूं तुम्हारी सहूलियत के लिए हम्म इसका नाम दो जल्दी जल्दी क्विकली आई एम स्टिल लुकिंग ऑन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन गेट द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट हाय अंजलि वेलकम टू माय सेशन बेटा ध्यान से देखो इट इज नॉट ब्यूट इन कैन यू सी वन डबल बॉन्ड बेटू कैन यू सी वन डबल बॉन्ड वेरी गुड सही ने बिल्कुल सही नाम दिया बिथाइल ब्यूट टू इनो एट सबसे पहले तो इसको नक्की करो ओ ऑक्सीजन के बाद वाले को सबसे पहले नक्की करना होता है तो नाम क्या हो जाएगा मिथाइल ठीक है और फिर ये मेन चेन हो गई है कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन नंबरिंग इधर से स्टार्ट होती है हमेशा ही तो नाम हो जाएगा मिथाइल फिर अगर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता तो ब्यूटेनोट कर देते अगर डबल बॉन्ड नहीं होता ना बीटू तो ब्यूट कर देते अभी क्या करेंगे मिथाइल ब्यूट टू इनोवेट ठीक है मिथाइल ब्यूट टू इनोवेट चलो चौथे कंपाउंड का मैं खूब सारे कंपाउंड बना रही हूँ फटाफट बताते जाना इन दोनों का बताओ जल्दी जल्दी क्विकली बिल्कुल सही वांचिका ने करेक्ट बताया इथाइल पेंटेनोएट और उसके बाद अमृतापा चक्रवर्ती ने करेक्ट बताया और फिर श्रद्धा सिंह ने भी करेक्ट बताया तो इसका नाम हो जाएगा पहले इसको नक्की करेंगे हम फर्स्ट वी विल नक्की ऑफ दिस दैट मींस इट इज इथाइल एंड इसका नाम करेंगे एक कार्बन अनेक कार्बन एक दो तीन चार पांच सो इट इज इथाइल पेंटे नो इट इथाइल तब तक अगला कर लिया करो तब तक अगला कर लिया करो इस वाले का नाम बताओ अगला 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 नेक्स्ट नेक्स्ट क्विकली कीटो नहीं है ये कीटो नहीं है ध्यान से देखो किटो नहीं है ईस्टर है देखो वंशिका ने बताया है इथाइल ब्यूट थ्री इनोएट और अमृता चक्रवर्ती ने भी बता दिया है इथाइल ब्यूट थ्री इनोएट देखो सबसे पहले ना इसको नक्की करो ये दो कार्बन एटम का है तो हो जाएगा इथाइल ठीक है क्या हो जाएगा इथाइल फिर इसको वन टू थ्री फोर तो ब्यूटेनोएट है लेकिन वन टू थ्री पोजिशन पे इन है तो ब्यूट ध्यान से देखो ब्यूट थ्री इन ओएट ओएट तो इस्टर्स में होता है तो इथाइल ब्यूट थ्री इन ओवेट ठीक है छठा नाम इन दोनों के नाम बताओ सिक्स वाले का सिक्स वाले का नाम बताओ बेटा वन टू डाइमिथल नहीं शुभम ध्यान से देख बेटा ऑक्सीजन के बाद वाले को पहले निपटा लो ऑक्सीजन के बाद वाले को पहले खेल को निपटा लो फिर इधर पीछे हो

एल्केनोट मीथाइल इथेनोइट मीथाइल प्रोपेनोइट मीथाइल ब्यूट टू इन ओएट इथाइल पेंटेनोइट इथाइल ब्यूट थ्री इन ओएट तो इसका नाम क्या होगा इथाइल, फिर एक दो तीन चार ब्यूट उसके बाद में टू पे मिथाइल है टू मिथाइल इसके बजाय नहीं करना इसको, पहले लिखना इथाइल टू मिथाइल ऐसे लिखना इसको, इथाइल मिथाइल क्योंकि तो पहले लिखते हैं ना इसमें का इसमेंट पहले आएगा फिर ब्यूटेनोइट टू मिथाइल ब्यूटेनोट ठीक है इसका नाम बताओ लास्ट वाले का मिथाइल मिथेनोएट शाबाश मिथाइल मिथेनोएट मिथाइल तो बस इनके नाम क्या हुए सारे बच्चे स्पैम कर दो मीथेनू तुम्हारी मैम का ना एक तो स्पेलिंग के साथ इतना गहरा रिश्ता है मिथाइल मी मीथेनू एट हम आ इथ अल्काइल के नाम से ये जाना जाता है ठीक है अल्काइल एल्किनोएट एक बारी देख लो पूरा पैटर्न एक साथ अल्काइल फिर सीओ वाले कार्बन को इंक्लूड करके अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टर एंड कीटोन कीटोन में जहां पे बॉन्डलाइन नोटेशन में ऐसे आता है फिर ऐसे चेन कंटिन्यू हो जाती है लेकिन ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ये वाला, ये वाला कौन सा वाला ये वाला ऑक्सीजन ठीक है चलो इसको मैं फनी वे में बनाती हूँ ये देखो ये अपना डबल बॉन्ड हो और इधर एक ऑक्सीजन आएगा इसका जरूर ध्यान रखना मैंने थोड़ा ज्यादा जूमआउट कर दिया ऑक्सीजन को ठीक है तो ये वाला जो ऑक्सीजन है जिसकी वजह से ईस्टर डिफरेंट हो रहा है उसके बाद वाले ग्रुप को पहले नाम देना है ठीक है उसके बाद वाले ग्रुप को पहले नाम देना है तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेनोइट मीथाइल ब्यूट टू इन ओइट इधर देखो इथाइल पेंटेनोइट इथाइल ब्यूट थ्री इन ओइट इथाइल टू मिथाइल ब्यूट होप इट इज क्लियर क्रिस्टल क्लियर, ठीक है क्लियर, ओके। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं एनहाइड्राइड्स, एनहाइड्राइड्स ये और भी लल्लू हैं, बिल्कुल पुद्दू कुछ है ही नहीं इनमें शक देखने में तो ऐसा लगेगा कि भाई साहब पता नहीं कौन सा क्या हो गया ये लेकिन ये बिल्कुल ही मतलब कुछ है ही नहीं इसके अंदर अगर तुम एसिड्स ले लो ना तो सी आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ये एसिड होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच बेटा यही होता है ना एसिड यही होता है ना एसिड मतलब एक एसिड ये रहा रहा एक एसिड एसिड ये होता है इसमें से पता है तुमको क्या करना है तुमको पानी रिमूव करना है मतलब एक काइंड ऑफ एक रिएक्शन करनी है जैसे वाटर मॉलिक्यूल तुमको एलिमिनेट करना है लाइक दिस ठीक है एलिमिनेट करना एलिमिनेट करोगे तो ये ऑक्सीजन सेंटर में आ जाएगा जाओगे कार्बनिस ऑक्सीजन जुड़ जाएगा देखो जरा इनको एनहाइड्राइट बोलते हैं हाउ आर फॉर्म्स? एसिड्स, मोल्स एक पानी का मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया तो क्या बन गया एनहाइड्राइड ठीक है क्या बन गया एनहाइड्राइड अब इसका नाम होता है एल्किनोक एनहाइड्राइड और नाम कैसे लेते हैं तुम्हें बताऊंगी तो मजे आएंगे तुमको जिस एसिड का एनहाइड्राइड है ना बस वही नाम देना है। जैसे कि सपोज करो मैंने एसिड का एनहाइड्राइड लिया CH3, CO, o, CO, CH3. ये किसका ये एसिड का एनहाइड्राइड है अगर तुम देखो तो दो कार्बन इधर है और दो कार्बन इधर है यानी ये इथेनोइक एसिड में से पानी निकला होगा तब बना होगा तो नाम भी इसका क्या है इसका नाम है इथेनोइक एनहाइड्राइड E -no क्योंकि ये से e -no से बना है 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 कितना कितना क्या हुआ सिंपल करते करते लगता है कि इसने ने पे ले लिया एक मिनट -no -anhydride, -no -anhydride, ठीक है? E -no -anhydride, चलो तुम अब खुद अपनी कॉपीज में फटाफट मीथेनोइक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर बनाओ और फिर मैं चेक करती हूँ तुम ना मीथेनोइक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर बनाओ और वीडियो कर दो पॉज और फिर इधर चेक करो चलो वन टू थ्री बना लिया अब इधर चेक करो मीथेनोइक एनहाइड्रेट जो एसिड से बना है वो बनेगा मीथेनोइक एनहाइड्रेट ठीक है चलो तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं सी एच थ्री सी ओ ओ सी ओ सी एच टू बताओ ये कौन से दो एसिड से बना है कौन से दो एसिड से ये एनहाइड्रेट बना है जल्दी बताना मना लिया वेरी गुड शुभम अमृतापा तेरे दिल की बात मैंने तूने बोली तूने सोची और मैंने देख सामने एग्जाम्पल बना दिया अब इस बात अमृता अमृतापा मेरे को एक स्माइल देने वाला है उल्टा लिख दिया सही आई एम गुड रोताश इथेनोइक एसिड इन प्रोपेनोइक एसिड शाबाश देखो हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमको दिखाई दे रहा है दो कार्बन का एसिड और तीन कार्बन का एसिड ठीक है तो इसका नाम क्या होगा एक तो और एक प्रोपेनोइक है ई e. आकाश पहले प्रकाश बाद में ठीक है तो फिर नाम क्या होगा ये इथ है ये प्रोप है तो इथेनोइाबेटिकल इथेनोइनोइक एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड इथेनॉक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, क्लियर और एक आखिर बना देते हैं और फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स पे चलते हैं क्योंकि आज नोम लेचो वाइंड होने वाला आज बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स हैं ठीक है ये देखो सी एच थ्री सी ओ ओ सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री ठीक है या फिर इसी का बॉन्डलाइन बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे ऐसे ऐसे एक दो तीन चार ठीक है ये दोनों एक ही चीज है ये दोनों एक ही चीज है तो नाम क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी देखिए कौन सबसे पहले नाम देता है गेमिंग गैलरी कोई नहीं लेट नहीं हुआ तो बहुत कुछ बाकी है अभी तो शुरू हुए हैं हम जल्दी क्विकली ब्यूट एनॉइक एनहाइड्राइड श्रद्धा सिंह इज द फर्स्ट वन टू आंसर अरिहंत Then, उसके बाद नहीं नहीं है रितिका, acid नहीं है रितिका ठीक है तो ये ब्यूटेनोक एसिड है, है तो एनहाइड्राइड्स तो भी हमारे क्लियर हो गए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा क्या बचा चार चीजें बच रही है एलिइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर ले जाओ एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमटलेचर कंपाउंड्स का नोम लेचर ले ले पेंडिंग है, हमने सब कुछ कर लिया है कुछ ऐसी है। है? नोम लेचर का कोई नहीं है। मतलब अगर मैं तुम्हारी रोज क्लास लू दो घंटे की और एक महीने तक क्लास लू तब भी मैं हर क्लास में कुछ नया लेके आ सकती हूँ इतना वाइड टॉपिक है ये लेकिन हमें कोई पी एच डी नहीं करनी हमें जेई का एग्जाम क्रैक करना है तो इसलिए हम हर एक चीज कवर कर रहे हैं मैं हर चीज तुम्हें

रिंग कंपाउंड मैम ना ये मैम ने अपनी रिंग जो ये तो ये चेन यहाँ से लॉक कर रखी है तो ये कंपाउंड क्या कहलाते हैं रिंग कंपाउंड कहलाते और इसी को खोल करके मैं ऐसे पकड़ लूंगी तो ओपन चेन तो ओपन चेन अपन ने सारे कर लिए अब क्लोज चेन में थे एक तो एलि साइक्लिक और एक एरोमेटिक तो एलि कौन होते हैं जो कि रिंग कंपाउंड होते हैं और एरोमेटिक नहीं होते और इनके नाम के आगे लगता है साइक्लो क्या फ्स लगता है साइक्लो जैसे कि तीन कार्बन आइटम की मिनिमम रिंग बनेगी भाई दो कार्बन आइटम की रिंग तो बन बनी सकती है ना मिनिमम तीन कार्बन आइटम की बनेगी तो तीन कार्बन आइटम की रिंग बन गई इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन पांच कार्बन आइटम की रिंग बन गई इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटेन चार कार्बन आइटम की रिंग होगी जो साइक्लोब्यूटेन और छह कार्बन आइटम की रिंग साइक्लो जैसे सिंपल हेक्सेन था गले ये बांध दे देखो अरे मेरे पास में एक चेन और पड़ी आज अभी क्या मैं कहीं बाहर से आई हूं तो क्या ये मैंने पहन रखी थी तो मैंने फटाफट फटाफट -फड़ -फड़ खोली मैंने कहा ये बच्चे कहेंगे मैम आज क्या बकर के आई हुई है तो चांस की बात है ये देखो ये ओपन चेन ये क्लोज चेन ये ओपन चेन अबे रुक जा अबे रुक जा यार ओपन चेन क्लोज चेन ठीक है तो जैसे हमने चेन को क्लोज किया तो ये ये क्या ये प्रोपेन है और ये क्या है साइक्लोप्रोपेन ब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन ठीक <laughs> है पेंटेन साइक्लोपेंटेन ऑल राइट तो ये हो जाएगा आप फटाफट से इनके नाम दे दो क्विकली मस्ती मजाक तो अपनी क्लास में पॉसिबल ही नहीं है ब्रांच भी है अमृता <laughs> प्लस में कौन सा चैप्टर चल रहा है प्लस में बेटा थर्मोल एनिमिक खत्म होने वाला है दो क्लास बची है उसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी नहीं मैं किसी को इग्नोर नहीं करती और ये वर्ड मुझे बहुत ट्रिगर करता है बेटा जैसे एसिड से हाथ जल जाता है ना ऐसे इग्नोर शब्द से मेरा दिल जल जाता है हाँ हाँ साइक्लोब्यूटेन चलो मैं तुम लोग कर लो फटाफट और मैं इनका नोम करती हूँ इसमें डबल बॉन्ड भी है ना तो साइक्लो ब्यूटीन ठीक है इसका नाम क्या है डबल बॉन्ड है तो साइक्लो नम... कौन गिन रहा है आज नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स पेंटीन साइक्लो है नंबर बताने की इसमें इन की पोजीशन बताने की जरूरत नहीं जब तक एक ही डबल बॉन्ड है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ साइक्लो ऑक्टेन और ये भी आठ है ना साइक्लो ऑक्टीन डबल बॉन्ड आ गया तो ऑक्टीन क्लियर सबके सही है वेरी गुड चलो आगे बढ़ते हैं पहला रूल तो यह था कि ठीक है बस लगाना है आपको बाकी कोई चेंज नहीं करना अब इसी एलिस कंपाउंड का रूल नंबर टू क्या कहता है सुनना एलिसाइक्लिक कंपाउंड का रूल टू यह कहता है कि अगर आपकी रिंग सब्सटीट्यूटेड है यानी सब्सटीट्यूटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड उसमें पहले आपको सब्सटीट्यूंट का नाम बताना है और फिर रिंग का नाम बताना है तो जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा मैं बताऊंगी इन दोनों के नाम तुम बताओगे ठीक है इसका नाम है मिथाइल पहले सब्सटीट्यूंट का नाम बताना है मिथाइल साइक्लो ठीक है ये मैंने बता दिया और अब ये जो पहले बताएगा उसके नाम शाउट आउट करूंगी मैं ठीक है पहले ये वाला बताओ हाँ हाँ ओके ओके फरिया डन जल्दी से देखिए कौन सबसे पहले बताता है वन नहीं लगाना रोहित वन नहीं लगाना बेटा जब एक ही सब्स्टिट्यूंट है तो वन लगाने की जरूरत नहीं होती क्यों नहीं कर सकते हैं अजय बिल्कुल कर सकते हैं इथाइल साइक्लोहेगजेन इक्रम ने बताया है, है आस्था है ने बताया है हैगजीन नहीं है आस्था हेक्सेन है बेटा उसके बाद शहाबुद्दीन ने बताया है मिथाइल लेकिन श्रद्धा ने बताया है ठीक है इसका नाम हो जाएगा इथाइल साइक्लोहेक्सेन इजी लगा इथाइल अभी मैं सारे रूल्स को कंपाइल करूंगी तो और मजे आने वाले हैं इथाइल साइक्लोहेक्सेन ठीक है इसका नाम बताओ नेक्स्ट वाले का बताओ जल्दी से क्लोरो क्लोरो साइक्लो पेंटेन Shabash, है, था। क्या कह रहा था? कि अगर आपको रिंग कंपाउंड मिल रहा है तो साइक्लोब्यूटिनोक्टिनोहेक्न साइक्लोब्यूटिन साइक्लोपेंटीन और अगर कोई सब्सिट्यूट है तो एल्काल साइक्लोहेक्गजिन एल्काल साइक्लोपेंटेन क्लोरोसाइक्लोपेंटिन ऐसे कर दो अब रूल नंबर थ्री आ रहा है रूल नंबर थ्री ये कहता है कि किसी भी रिंग कंपाउंड में ध्यान से सुना बच्चों किसी भी रिंग कंपाउंड में अगर दो है देखो ये वैसे दो या तीन सबके लिए बात कर रहा हैं मैं पहले दो की बात करूंगी फिर दो से अधिक की बात करूंगी अगर किसी रिंग सब्सटीट्यूंट में सिर्फ दो सब्सटीट्यूंट हैं तीन नहीं सिर्फ दो दो सब्सटीट्यूंट हैं तो आपको नंबरिंग इस तरीके से करनी होती है कि जो अल्फाबेटिकली जो छोटा होता है उसको उस थे? थे? इनमें तोन ही नहीं है तो वन कॉमर थ्री डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन हो गया ये क्योंकि दोनों सेम थे लेकिन सपोज करो कि यहाँ पे इथाइल होता मैं इसी एग्जाम्पल में समझाऊंगी क्योंकि यहां ये तुमने नाम देने हैं ये तुमने बताना है ये तुमने बताना इसमें अगर इथाइल होता इथाइल इथाइल होता तो इथाइल के केस में आप क्योंकि इथाइल का ई e, मिथाइल के एम से पहले आता है तो नंबरिंग प्रेफरेबली वहीं से शुरू होएगी जहां अल्फाबेटिकल आप प्रायोरिटी दोगे और फिर घूमोगे उस साइड से जहां से कम से कम मतलब सम ऑफ पोजिशन क्या हो जाएंगे लो तो इसका नाम है वन अच्छा वन थ्री बताना जरूरी है क्योंकि वन टू की भी तो पॉसिबिलिटी थी तो वन कॉमर थ्री डाई मिथाइल मैं लिख देती हूँ वन थ्री डाय मिथाइल साइक्लोब्यूटेन ठीक है अब यहां अगर इथाइल होता तो हम लिखते वन इथाइल थ्री मिथाइल साइक्लोब्यूटेन इसका नाम बताओ इसका नाम बताओ देखो श्रद्धा ने बता दिया है फरीहा ने बता दिया है रोहित ने बता दिया है है ना और उसके अलावा शुभम ने भी बता दिया है शुभम गुप्ता ने भी एंड है ना मुझसे नाराज नहीं होना अगर मैं किसी का नाम नहीं लू तो तो वन इथाइल टू मिथाइल देखो तुमने क्या रूल फॉलो किया तुमने कहा सब्सटीटेंट एक से ज्यादा होने पर नंबरिंग उस कार्बन से शुरू होती है जिसका अल्फाबेट मतलब अल्फाबेटिकली जो छोटा हो क्योंकि ई जो होता है वो एम से छोटा होता है ना मतलब पहले आता है तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की लिखते वक्त भी हमें ऐसे ही लिखना है और चक्कर काटते हो यू नहीं कि वन टू थ्री फोर फाइव दे दिया इसको चक्कर छोटे लेने हैं ठीक है तो इसका नाम हो जाएगा वन इथाइल वन इथाइल टू मिथाइल टू मिथाइल साइक्लो पेंटेन ठीक है वन इथाइल टू मिथाइल साइक्लो पेंटेन इसका नाम दो एबीसीडी एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी हां वन मिथाइल थ्री प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन सही बोल रही है अमृता चक्रवर्ती शॉर्ट्स लाइक प्रो शाबाश 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 ये हो जाएगा मिथाइल का एम और प्रोपाइल का पी तो ए बी सी डी ई एच जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी तो ये हो जाएगा वन मिथाइल वन मिथाइल थ्री प्रोपाइल साइक्लो हेक्सिन

यानी एल्काइल साइक्लो एल्केन। अगर दो लगे हैं, तो आपको वहां से शुरू करनी है अल्फाबेट देखते हुए कार्बन को, को बन दिया तो अल्फाबेट देखते हो आप दो में दो से अधिक जैसे कि तीन या चार दो से अधिक होने पर फिर एल्फाबेट भी नहीं देखते दो से अधिक होने पर सिर्फ और सिर्फ लोएस्ट सम है सिर्फ और सिर्फ लोएस्ट सम मतलब सपोज करो यहाँ मैं खाली स्लाइड पे बना के तुमको दिखा रही हूँ अच्छे से समझा रही हूं ध्यान से सुनना ये मैंने एक साइक्लोहेक्सेन बनाया, ठीक है इधर मैंने बनाया इथाइल सी एच टू सी एच थ्री और इधर मैंने बनाया दो मिथाइल ठीक है सेम पोजिशन पे दो मिथाइल

तो वन और टू इसको थ्री आता तो वन पोजीशन पे दो थे और तीन तीसरी पोजीशन पे एक रहा तो सम क्या आ गया आपका फाइव आ गया तो लोएस्ट सम को आप प्रायोरिटी देते हो यानी कि एक सब्सटीट्यूंट होने पे साइक्लो एल्केन दो सब्सटीट्यूंट होने पे अल्फाबेटिकल नंबरिंग और तीन या उससे अधिक सब्सटीट्यूंट होने पे नो अल्फाबेटिकल नंबरिंग ओनली लोएस्ट सम रूल इज कंसीडर्ड समझे इधर से नंबरिंग सेट नहीं होगी अल्फाबेट देख के फिर से सुन लो इसको शॉर्ट में कंपाइल कर लो साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर ऐसे इस तरह से किताबों में रूल्स नहीं लिखे होते हैं लिखो अगर कोई सब्सटीट्यूंट नहीं है तो साइक्लोए अगर एक सब्सटीट्यूंट है तो एल्काइल साइक्लो एल्किन अगर दो सब्सटीट्यूंट है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग ऑफ द कार्बन अगर तीन या उससे अधिक सबस्टिटेंट हैं, तो फिर लोएस्ट सम रूल फॉलो होगा अल्फाबेटिकल नंबरिंग नहीं होगी ठीक है तो ये हो जाएगा अपना वन कॉमा वन डाई मीथाइल थ्री इथाइल तो इसका नाम क्या हो जाएगा लेकिन फिर लिखते वक्त थ्री इथाइल पहले लिखेंगे लिखते वक्त तो आप अल्फाबेट के हिसाब से लिखते हो ना तो ऊपर लिखेंगे थ्री इथाइल वन कॉमा वन डायल साइक्लोजिन ये नाम हो जाएगा आई होप इट इज क्लियर आई होप मैं रूल क्लियर कर पाई हूं अब अगला रूल बढ़ जाए सबको समझ में आ गया एक सब्सिट्यूट होगा तो अल्काइल दो होंगे तो अल्काल नंबरिंग तीन सब्सिट्यूट होंगे तो नो एल्फोबेटिकल नंबरिंग लोएस्ट सम रूल के हिसाब से नंबरिंग ओके जी बच्चों क्या आप मेरे को प्यारी सी स्माइल दे सकते हो ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं

तो भी रिंग को प्रायोरिटी दोगे और ज्यादा होंगे तो रिंग को दोगे साइड चेन के नंबर वैसे कटे हुए रहते हैं वो साइड में ही रहते हैं नाम ही उसका साइड चेन होता है तो इक्वल होंगे तो भी रिंग को प्रायोरिटी दोगे और ज्यादा होंगे तो भी रिंग को प्रायोरिटी दोगे इसको प्रायोरिटी सिर्फ एक केस में देनी है इसमें अगर ज्यादा हुए तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हो ये वाला देखो मिथाइल साइक्लोपेंटेन क्या नाम है इसका मिथाइल क्योंकि कम है ना इसमें एक कार्बन आइटम है इसमें पांच कार्बन आइटम है तो ये सब्सिट्यूंट हो गया मिथाइल ठीक है इसमें देखो बाहर ज्यादा कार्बन आइटम है पर रिंग में कम है इसका मतलब आपके बार ये सब्सटीटेंट हो गया और मेन चेन जो है वो साइड चेन विल बी और मेन चेन भाई बाहर जो हाइड्रोकार्बन चेन है जो अल्काइल पार्ट है ना वो आपका मेन है ये आपका फर्जी है तो ये हो जाएगा वन

आई होप कि आप मेरी बात अच्छे से सुन रहे हो रिंग वाले को आप मेन करते हाँ प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन वेरी गुड नहीं नहीं नहीं, नहीं देवो ज्योति नहीं बेटा सही अरे गलती कर दी ना फिर से सुनो फिर से सुनो साइक्लोप्रोपा। सुनो 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 एक है रिंग एक है साइड चेन अगर रिंग में ज्यादा कार्बन तो रिंग मेन नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो अगर बाहर ज्यादा कार्बन तो बाहर मेन साइक्लो एलकेन, एलकेन, तभी ये नाम हो जाएगा लेकिन अगर दोनों में बराबर तो फिर रिंग मेन हो जाती है अगर दोनों में बराबर होंगे ना तो रिंग मेन हो जाती है तो फिर ही हो जाएगा प्रो मैं दिख नहीं रही है मेरी आवाज नहीं आ रही अभी तो दिख रही हूँ हम्म वापस सुनो वापस सुनो वापस सुनो।, सुनो ओके ना ओके ना हाँ हाँ ठीक है पता नहीं क्या हुआ था अचानक से बेटू मैं ये कह रही हूं जैसे आप बोलते हो एलकाइल साइक्लो एल्केन एल्केन यू हैव टू चॉइसेस ना बेटा मैं खाली स्लाइड बना के बताती हूँ रुको पहली चीज एल्काइल साइक्लो एल्केन दूसरी चीज साइक्लो एलकाइल एलकेन है ना जब आपने एल्काइल बोला मतलब मेन रिंग को आपने प्रायोरिटी दी और इधर आपने रिंग को सब्सटीट्यूंट मान लिया तो वो हमें तय करना है कि रिंग कब सब्सिट्यूंट होगी और साइड चेन कब सब्सटीट्यूंट होगी तो हम ये कहते हैं कि अगर बाहर चेन छोटी है तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन मिथाइल साइक्लोब्यूटेन इथाइल साइक्लोपेंटेन समझे इथाइल साइक्लोपेंटेन ब्यूटा साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन क्योंकि बेटू बाहर कार्बन ज्यादा अंदर कार्बन कम है रिंग में तो तीन कार्बन है और बाहर चार कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन दैट टू एट वन पोजिशन क्योंकि मेंशन की नंबरिंग भी तो करोगे वन साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन अगला एग्जाम्पल अब बाहर भी चार कार्बन अंदर भी चार कार्बन रिंग में भी चार कार्बन और साइड चेन में भी चार कार्बन अब किसको प्रायोरिटी देंगे फंसे ना तो वहां रिंग को प्रायोरिटी देंगे ये आपका एक दो तीन चार चार कार्बन आइटम का तो ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन इन द केस वेयर द साइड चेन एंड द रिंग है इक्वल नंबर ऑफ कार्बन आइटम रिंग इज गिवन प्रायोरिटी ठीक है

अगला रूल ले आए बहुत सारे रूल्स आने वाले हैं रिंग इज हाँ, हाँ अभी आ रहे हैं ना तमगना खुश बिल्कुल आ रहे हैं तो अभी तक हमने कितने रूल्स कंपाइल किए सिंपल रिंग है तो साइक्लो एल्किन सब्सटीटेंट एक है तो एल्काइल साइक्लो एल्किन सब्सटीट्यूंट दो है तो अल्फाबेटिकल नंबरिंग सब्सटीट तीन या तीन से अधिक है तो लोएस्ट सम रूल को विदाउट समल्फ अगर बाहर लंबी चेन है और अंदर मतलब रिंग में कम कार्बन और बाहर ज्यादा कार्बन है तो रिंग विल बी सब्सटीट्यूंट लेकिन अगर रिंग में ज्यादा कार्बन है या बराबर कार्बन है तो रिंग विल बी मेन एंड साइड चेन विल बी सब्सटीट्यूंट ये हमने अब तक किया इसको इसी तरीके से कंपाइल कर लेना अगला रूल आ रहा है अगर साइड चेन में मल्टीपल बॉन्ड हुआ तो या फंक्शनल ग्रुप हुआ तो

तो थ्री साइक्लो प्रोपाइल प्रॉप वन इन ठीक है थ्री साइक्लो प्रोपाइल प्रॉप वन इन मल्टीपल बॉन्ड होने पे साइड चेन ही मेन चेन होगी या फंक्शनल ग्रुप होने पे साइड चेन ही मेन चेन होगी इधर से नंबरिंग स्टार्ट करो वन टू थ्री फोर तो ये हो जाएगा थ्री साइक्लो है जबकि रिंग अपनी छह कार्बन की थी और बाहर चार ही कार्बन थे मल्टीपल बॉन्ड आया वहां ये चौड़े हो जाते हैं कि भैया अब तो हम हम मतलब अपूनिच भगवान है क्यों चाहे कार्बन एटम कम हो चाहे ज्यादा हो अपूनेच भगवान है कौन बोल रहा है साइड चेन अगर मेरे हाथ में फंक्शनल रूप आ गया तो तुरप का इक्का आ गया मैं जीता तुम्हारा ये साइड चेन बोल रही है फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड आने में साइड चेन प्रायर हो जाती है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्साइल इज जस्ट फिर ब्यूटेन ब्यूटेन ऑल क्लियर सबको क्लियर रूल समझ में आ रहे हैं इधर देखो बाहर मल्टीपल बॉन्ड भी और बाहर फंक्शनल रूप के भैया तो ये बोलेगा ही बोलेगा कि भगवान है अब अपनों को कोई नहीं हरा सकता तो ये हो जाएगा फोर साइक्लो हो गया ये ब्यूट थ्री इन ओन ठीक है ये ग्रुप है ना ब्यूट थ्री पे डबल बॉन्ड है ब्यूट थ्री इन ओन क्लियर ओके ऑल राइट चलो आगे बढ़ते हैं अब हम हाइड्रोकार्बन पैरिमिट एरोमेटिक ये हमारी एलिसाइक्लिक कंप्लीट हो गए एलिसाइक्लिक के रूल्स कंपाइल करवा दू एलिसाइक्लिक के रूल्स कंपाइल करवा दू या तो साइकिल सबसे सिंपल साइक्लो एल्किन या अगर उसमें मल्टीपल बन है तो साइक्लो एल्कि दूसरी चीज अगर एक सब्सटीट्यूंट है तो एल्काइल साइक्लो एल्किन जैसे मिथाइल साइक्लोब्यूटेन इथाइल साइक्लोपेंटेन मिथाइल साइक्लोप्रोपेन ऐसे अगर एक से अधिक सब्सटीट्यूंट है तो अल्फाबेटिकल तरीके से नंबरिंग यानी जहां इथाइल आएगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है रादर देन मिथाइल दो पे. तीन या अधिक पे, नो तो कार्बन करो कार्बन आइटम जिसमें ज्यादा है वो मेन है जिसमें कम है वो सब्सटीट्यूंट है लेकिन अगर दोनों में बराबर है तो रिंग मेन है और बाहर कचरा है सब्सटीट्यूंट और लास्ट रूल चाहे साइड चेन छोटी ही क्यों ना हो अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड आ जाते हैं तो फिर अपू भगवान है फिर उसके बाद ये कितनी भी बड़ी वो की तरह ही एक्ट करेगी हैव आई मेड इट क्लियर मैम साइड चेन में मल्टीपल बॉन्ड रहेगा और उसकी कार्बन नंबर ज्यादा है फिर भी हाँ अरे तब तो होगा ही ना कार्बन नंबर ज्यादा है और चेन भी फिर, फिर तो दोनों हाथों में घी है उसके दोनों हाथों में लड्डू है मल्टीपल बॉन्ड भी है और कार्बन भी ज्यादा है फिर तो साइड चेन मेन चेन है तो मसला तो तब उठता है कि कार्बन कम थे फिर भी फंक्शनल रूप ने इसको राजा बना दिया कार्बन तो कम थे फिर भी फंक्शनल ने इसको मल्टीपल बॉन्ड ने राजा बना दिया कार्बन देखो इसमें रिंग में छह इसमें सिर्फ चार है फिर भी राजा बनी बैठी है तो राजा कौन बना रहा है इसको कौन जिता रहा है इसको फंक्शनल रूप जिता रहा है इसको मल्टीपल बॉन्ड जिता रहा है क्लियर चलो आई थिंक आई हैव मेड इट क्लियर गॉड ब्लेस यू बेटा फरिया गॉड ब्लेस यू आगे पढ़ते हैं बैरोमेटिक अब हमारा चार में से एक निपटा

ये अब इसमें एक सब्सटीट्यूंट है तो क्या करते थे, अपन? एक करते थे. इसमें बन के रहेंगे, बेंजीन, यानी बेंजीन, ओके. अब इसमें भी एक सब्सटीट्यूंट है तो नाम क्या हो जाएगा फटाफट तुम भी नाम देखो चेक करो टोलो हाँ, इसको टोलुइन भी बोलते हैं स्लैश टोलुइन भी बोलते हैं इसको ठीक है इसका नाम क्या होता है इथाइल बेंजीन उसमें भी तो यही था अगर ये बेंजीन नहीं होकर होता तो इथाइल साइक्लोहेक्सेन अभी क्या क्या इथाइल बेंजीन ओके अब ये क्या, दो गए आगे दोनों सेम है तो वन कॉमा टू डाइमिथाइल बेंजीन ठीक है वन कॉमा टू डाई मिथाइल अच्छा वन टू पोजिशन को डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन में ऑर्थो भी बोलते हैं तो इसका नाम ऑर्थो डाईमीथाइल बेंजीन भी हो सकता है ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन ये स्लैश ये भी इसका नाम है इसके अलावा इसका नाम एक और है ऑर्थो ज़ाइलिन एरोमेटिक कंपाउंड्स में कुछ रटने वाले नाम भी होते हैं जैसे टोलुइन का कोई मतलब ऐसे बैकएंड पे कोई रोल नहीं है बस इसका नाम रट लो कि ये टोलुइन है ये ज़ाइलिन है ठीक है अच्छा इसको क्या बोलेंगे 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन ठीक है 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन 1 3 पोजीशंस को एरोमेटिक कंपाउंड्स में मेटा पोजीशन बोलते हैं एक और नाम है इसका मेटा डाय मिथाइल बेंजीन मेटा डाय मिथाइल बेंजीन ठीक है और इसका नाम क्या है 1,4 डाय मिथाइल बेंजीन ठीक है और एक और नाम हो जाएगा पैरा बेंजीन क्योंकि 1 4 पोजीशंस को हम पैरा पोजीशन बोलते हैं पैरा डाई मिथाइल बेंजीन ठीक है ये ऑर्डर याद रखना बेंजीन के अंदर वन टू को, को हम बोलते हैं ऑर्थो वन थ्री को हम बोलते हैं मेटा और वन फोर को हम बोलते हैं पैरा ओम प्रकाश किसी के दादाजी का नाम हो या पापा जी का नाम हो तो लर्न कर सकता है ऑर्थो मेटा पैरा वन टू वन थ्री एंड वन फोर ठीक है ऑर्थो ऑर्थोडाइमिथल मेटा डायमीथल पैरा डायमीथल वन टू तो डायमीथल वन थ्री डायमी डायमिथल बेंजीन ठीक है अब आते हैं एरोमेटिक एल्कोहल्स हमने पहले नॉर्मल एलोफेटिक एल्कोहल्स पढ़े थे एरोमेटिक एल्कोहल अभी अपन ने साइक्लिक कंपाउंड्स का क्या रूल पढ़ा कि साइड चेन अगर छोटी भी हो लेकिन अगर उसके हाथ में फंक्शनल ग्रुप आ गया ना तो वो कहेगा भगवान उसके बाद में रिंग भले छोटी हो बड़ी हो ऐसी की तैसी रिंग सब्सटीटेंट बन जाती है अगर साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप हो तो ठीक है तो इधर क्या हो जाएगा ये ये हो जाएगा आपका बेंजीन को एज अ सब्सटीटेंट फिनाइल बोलते हैं याद है मैंने बताया हुआ तुमको हाँ हो सकते बिल्कुल सही श्रद्धा है ना देखो आगे ये आपकी साइड चेन में फंक्शनल रूप है तो बेंजीन बेंजीन एज बेनजीटेंट बेंजीन अगर सब्सटीटेंट है ठीक है तो इसका नाम क्या हो जाएगा फीनाइल बेंजीन एज अब्सिट्यूएंट नेम्ड एज फीनाइल इट इज नॉट फीनॉल इट इज फीनाइल तो नाम हो जाएगा फिनाइल मीथेनॉल क्या नाम हो जाएगा

टू फिनाइल इथेनॉल टू फिनाइल इथेनॉल अच्छा इधर भी देख लो तुम यहां पे भी आपकी जो है बाहर साइड चेन में फंक्शनल रूप, रूप है तो नाम नंबरिंग होगी तो फिनाइल फिनाइल इथेन ऑल वन फिनाइल इथेन वन ऑल ठीक है इसको बोलते हैं बेटा बेंजल डिहाइड ये लर्न करना है इसको बोलते हैं बेंजल डिहाइड क्या बोलते हैं बेंजल डिहाइड बेनजीन पे अच्छा बेंजल डिहाइट से मुझे याद आया जैसे क्लास एंड होगी ना तो कुछ एक स्पेशल एक चीज है जो मुझे तुम लोगों को बतानी है ठीक है नोमन क्लेचर की वो अक्सर बच्चों को बहुत क्लियर नहीं होती तो मुझे याद दिलाओगे तुम तो बता दूंगी कि मैम वो एक स्पेशल चीज बतानी है वो याद दिलाओगे तो मुझे पांच मिनट लगेंगे बस हाँ इसका क्या नाम है बेंजल डिहाइड ठीक है अब बेटू ये बेंजल डिहाइड डेरिवेटिव हो गया

तो ये हो जाएगा वन टू तो नाम हो जाएगा टू फिनाइल इथेनल टू फिनाइल इथेनल और लास्ट वाले का नाम तुम बताओगे लास्ट वाले का नाम तुम बताओगे जल्दी जल्दी वेरी गुड फरीहा वेरी गुड मेरा बच्चा वेरी गुड ईशा शाबाश रोहित वेरी गुड अरिहंत कोमल कोमल नहीं बेटू कोमल हाइड्रो क्या होता है राजा ये तीन का हो गया ना तीन का थ्री फिनाइल प्रोपेनल थ्री फिनाइल प्रोपेनल है ना वनल की जरूरत ही नहीं है अब आता है अगला अगर बिटू मल्टीपल बॉन्ड डबल और ट्रिपल और सम अदर द रिंग अपन ने ना बार बार बाहर देखा कि बाहर मल्टीपल बॉन्ड हो गए कार्बन आइटम ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड गेट लोएस्ट लोकेट वन एंड टू यानी हो जाएगा इसमें नंबरिंग कहां से शुरू करोगे? आपको क्या करना है कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल जाए मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल जाए तो आपकी नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो तो बेहतर है क्योंकि इधर से स्टार्ट करोगे तो सब्सिटेंट भी लोएस्ट पोजीशन पे आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेंट में लोएस्ट नंबर इज ऑलवेज प्रिफर्ड लोएस्ट सम रूल लोएस्ट पोजीशन लोएस्ट तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा वन मिथाइल साइक्लोपेंटीन वन मिथाइल साइक्लोपेंटीन क्लियर बेटा हाँ, वन इन की जरूरत नहीं है अमृतापा वन इन की जरूरत नहीं है बेटू विदांश हाइड्रोजन एस ब्लॉक तो ऑर्गेनिक के बाद ही आएगा ऑर्गेनिक की गाड़ी अब स्टार्ट हो चुकी है ना हम्म तो नाम हो जाएगा इसका वन मिथाइल इक्लोपेंटीन ठीक है वन मिथाइल साइक्लोपेंटीन इसका क्या होगा यहां पे भी तुमको इंश्योर करना है कि मल्टीपल बॉन्ड इज प्रीफर्ड ओवर सब्सटीट्यूंट मल्टीपल बॉन्डेज प्रीफर्ड ओवर सब्सटीटेंट ठीक है मल्टीपल बॉन्डेज प्रीफर्ड ओवर सब्सटीट्यूंट तो एक दो तीन थ्री मिथाइल साइक्लोहेग्जीन थ्री मिथाइल साइक्लोहेग्जीन यहाँ वन कर दो थ्री मिथाइल नंबरिंग आपने यहां से क्यों शुरू करी यू हैव टू इंश्योर दैट मल्टीपल बॉन्ड वाला कार्बन लोएस्ट नंबर लेके जाए तो थ्री मिथाइल साइक्लोहेग्स वन इन ठीक है बेटू क्लियर ओके okay, चलो आगे करते हैं अभी अगर मल्टीपल बॉन्ड इन समर सब्सटी प्रेजेंट इन द रिंग तो नंबरिंग इन डेन इन ये तो ने अभी भी पढ़ा था वही तो है कि इसको लोएस्ट पॉसिबल पोजिशन देनी है तो ये तो हो गया हमारा रिपीट आ गया ये अब इधर देखो बेटा अब थोड़ा एक और लास्ट कॉम्प्लिकेशन ले रही हूँ मैं एक और कॉम्प्लिकेशन ले रही हूँ और वो कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर आपके बाहर हो फंक्शनल ग्रुप और रिंग में हो मल्टीपल बॉन्ड मुझे पता है रूल्स थोड़े से ज्यादा हो रहे हैं है ना आई अंडरस्टैंड दैट रूल्स थोड़े से ज्यादा हो रहे हैं और मेरे नन्हे से बच्चों से इतने रूल कैसे संभलेंगे है ना लेकिन बेटू अभी तुम बस रूल्स को कंपाइल करो फिर जैसे से आप प्रैक्टिस करोगे ना वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे मुझे पता है थोड़े ज्यादा हो रहे हैं भाई इतने इतने रूल आ जा रहे हैं मैम हम क्या करें तो मैं अभी एंड में सारा कंपाइलेशन कर दूंगी तुम चिंता मत करो और एक जगह से लिख के रखो क्योंकि है अब कंटेंट क्या करें हम इतना कंटेंट अपन को पढ़ना है अपने कोर्स में और अगर मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज करूंगी तो मेरा दिल नहीं मानेगा मैं चार रूल कम पढ़ाऊंगी तो मेरा दिल नहीं मानेगा कि मेरे बच्चों को मैंने पूरा नहीं सिखाया है ना आई नो रूल्स आर सो मेनी तो देखो अगर बाहर फंक्शनल ग्रुप है और इसमें डबल बॉन्ड है तो फंक्शनल ग्रुप इज प्रिफर्ड ओवर डबल बॉन्ड ठीक है फंक्शनल रूप इज प्रिफर्ड ओवर डबल बॉन्ड तो फंक्शनल रूप प्रिफर्ड होने के कारण ये पूरी जो चीज है ये एक सब्सटीट्यूंट बन जाएगी अब सब्सटीट्यूंट ऐसा जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी है आई थिंक अमृतापा चक्रवर्ती कुछ पूछ भी रहा था ऐसा कि फंक्शन रूप ऐसा जिसमें डबल बॉन्ड भी है तो ये सॉरी uh, सब्सटीट्यूट ऐसा जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी है तो सब्सटीट्यूट की सबसे पहले तो अपन के जो एलिफेटिक वाले में नूमन लेटर नहीं क्या था कि मेन चेन सेलेक्ट करो फिर मेन चेन में नंबरिंग करो जिसमें फंक्शन रूप वाला कार्बन को छोटा नंबर मिलना चाहिए तो वन टू थ्री तो एक बात तो तय हो गई कि थ्री पोजिशन पे सब्सटीट्यूंट लगा हुआ है ठीक है ये रही एसिड डेरिवेटिव और थर्ड पोजीशन पे सब्सिट्यूट रहा कबाड़ा तो इस बात में है कि इस सब्सटीटेंट का कमबखत मारे का नाम क्या है यही तो अपन को तय करना है तो बेटा इसका नाम क्या होगा गिनती यहां से शुरू होगी सब्सटीटेंट की वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इसका नाम है साइक्लोहेक्स

मीथेन का नाम क्या होता है मिथाइल इथेन का नाम क्या होता है इथाइल प्रोपेन का नाम क्या होता है प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन का नाम क्या होता है साइक्लोहेक्साइल, और साइक्लोहेक्सीन का नाम क्या होता है साइक्लोहेग्जीनाइल और फिर अपन ने पोजिशन भी इंडिकेट कर दी टू इनाइल समझ में आया तो यू बेटा फरिया समझ गए बट नाउ इट्स इजी पीजी यार थैंक यू सो मुझे इतनी चिंता हो रही थी मेरे को ऐसा रहा था कि, कि मतलब मेरे नन्हे से बच्चे को इतने रूल्स एक दिन में ऐसा लग रहा है जैसे 25 तरीके की डिशेस सर्व कर दी और उनको मजबूर कर दिया कि सब खाना पड़ेगा सब खाना पड़ेगा तो भाई पेट नहीं दुखेगा तो क्या होगा यार लेकिन अब वो करना ही पड़ेगा अपने को अपने पास कुछ आ रहा ही नहीं है है ना तो ये नाम हो जाएगा टू साइक्लो आ, थ्री पोजिशन पे है ना थ्री साइक्लोहेग्स टू इनाइल प्रोपेनोइक एसिड अब ऐसे ही देखो बिटू क्योंकि बाहर फंक्शनल ग्रुप है और अंदर मल्टीपल बॉन्ड है तो फंक्शनल तो ये प्रोपेन वन ऑल डेरिवेटिव है वो हमें पता है प्रोपेन वन ऑल डेरिवेटिव है वी नो दैट लेकिन सेकंड पोजिशन पे सब्सटीट्यूंट का नाम क्या होगा दो बातें याद रखना एक तो आपको नंबरिंग उसी से कार्बन से शुरू करनी है जिस कार्बन जो कार्बन चेन से अटैच है तो वन

अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो साइक्लोपेंटाइल होता डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे साइक्लोपेंट थ्री इनाइल और फिर प्रोपेन वन ऑल जो आपको पता ही है प्रोपेन वन ऑल समझे बात को इधर भी देखो आपका फंक्शनल रूप बाहर है है ना तो इसका मतलब मेन चेन तो ये हो गई आपकी इसका मतलब आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजिशन पे क्या आ रहा है सब्सटीट्यूंट आ रहा है बट ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूंट का नाम कैसे दें हम

फोर मिथाइल साइक्लोहेग्स टू इन तो नाम होता फोर मिथाइलोहेग्स टू इन और एज ए गया, साइक्लोहेग्स टू इनाइल कौन सी पोजीशन पे थ्री पोजीशन पे तो थ्री पोजीशन पे है फोर मिथाइल साइक्लोहेग्स टू इनाइल ब्यूटेन वन ऑल क्लियर आई फील टू स्टडी लॉन्ट क्वींस एम वेरी वेरी इमोशनल पर्सन एंड आई कैन यू नो क्राई ओवर दिस मैसेज ऑफ यू आई लव यू गाइज ठीक है और जहां अटको वहां बता देना तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी रूल को ठीक है ना बस अपने को मेन नंबर वन चीज हमने ध्यान रखी फंक्शन रूप बाहर था तो ये हमारा क्या हो गया मेन चेन सेलेक्ट होगी क्योंकि फंक्शनल रूप बाहर है दूसरी चीज हमने ये ध्यान रखी कि एज सून एज वी डिस्कवर्ड कि यार ये गंदा सा चमगादड़ रूपी ही है ठीक है तो इस केस में हमको नंबरिंग हमेशा सब्सटिट्यूएंट का उस कार्बन से करनी है जो मेन चेन से जुड़ा है तो वन टू तो थ्री फोर और फिर फोर मिथाइल साइक्लोहेक्स टू इनाइल ये अपन का थर्ड पोजीशन पे चमगादड़ आज चिपक जाएगा आके बाकी ब्यूटेन वाला हो जाएगा क्लियर चलो अब हम इसका बत करके बताओ जरा इसका बताओ ये रैंडम मेरे मन में आया मैं तुमसे पूछूंगी तो ये करके दिखाओ हम सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं एरोमेटिक भी हमने कर लिया रूल्स आज बहुत सारे पढ़ाए हैं आई केनोट से की आई एम फीलिंग गुड आई कैनोट से आई एम फीलिंग बैड आई नो दैट बच्चों के लिए कितना ज़्यादा होता है टीचर्स को तो चीजें आती होती हैं तो वो बोल बोल के चले जाते हैं ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा बट अगर स्टूडेंट परस्पेक्टिव से देखा जाए तो एक स्टूडेंट तीन सब्जेक्ट सीखता है तीन सब्जेक्ट में भी एक ही सब्जेक्ट में इतना कुछ सीखता है बट जस्ट बी स्ट्रेंथफुल है ना

हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी तुम्हें पता है जब हमारे टीचर्स इसको पढ़ाए थे तो पता नहीं क्या क्या लिख के जाते थे कुछ समझ में नहीं आता था बोर्ड की तरफ देख देख के खुद उसी को छुपाते रहते थे ऐसे ऐसे लिखते जाते थे कुछ पल्ले नहीं पड़ता था रूल्स का पता ही नहीं था रूल्स होते हैं लगता था इनके ये सब नाम रटने पड़ते थे तो देख देख के चक्कर आते थे कि इतनी तो दवाइयों के नाम भी याद नहीं होते ना ये देखो ये ऑनलाइन नोटेशन है फंक्शन रूप ये रहा वन टू थ्री फोर और ये फाइव इस मिथाइल को आप फंक्शनल रूप नहीं माने क्योंकि ये मेन चेन का पार्ट है है ना नाम बताओ ए बी सी डी एफ जी एच ना हाँ मस्त है मस्त है मस्त है मस्त है जल्दी से अगली क्लास से आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो रहा है और उसके अगली क्लास से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं बेटा डाई मिथाइल नहीं है एक ही मिथाइल है फरिया डाई मिथाइल नहीं है बेटा श्रद्धा बिल्कुल सही वंशिका बिल्कुल सही डाई मिथाइल नहीं है, इस बिटू, अगर वो में लिख देता है न, तो इसका मतलब में होगा कौन सा नहीं तो ये एक दो तीन चार और पांच ये तो सीधी सीधी चेन है आपकी तो टू हाइड्रोक्सी थ्री मिथाइल पेंट टू इनोइक एसिड टू हाइड्रोक्सी थ्री मिथाइल टू हाइड्रोक्सी मुझे विश्वास नहीं होता थ्री मिथाइल कि तीन क्लासेस पहले तक हम ये पढ़ रहे थे कि मीथ इज वन कार्बन आइटम ईथ इज टू कार्बन आइटम एंड तीन क्लासेस पहले तक हम ये पढ़ रहे थे कि ओ OH एच को ऑल कहा जाता है और आज हम ऐसे चमघाधर जैसे कंपाउंड्स का नाम चुटकियों में मेरे बच्चे चैट बॉक्स में निकाल रहे हैं वेरी वेरी हैप्पी टुडे टू हाइड्रोक्सी थ्री मिथाइल पेंट टू इन ओइक एसिड इसके जितने प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपको बहुत अच्छा कमांड आ जाएगा इसका नाम बताओ ये दोनों करके दिखाओ फटाफट हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं फरिया करो दोनों फटाफट मेरे को जीतू भैया बहुत पसंद है <laughs> मैं मैंने उनकी सीरीज फॉलो करी हुई है और जीतू भैया अमेजिंग है तो अगर कोई ये लिख देता है जीतू भैया ऑफ माय गॉड आई कैन गो मैड ओवर दिस और जीतू भैया का एक, एक डायलॉग है ना स्टॉप ड्रीमिंग स्टार्ट एमिंग बहुत अच्छा लगा था मुझे स्टॉप ड्रीमिंग स्टार्ट एमिंग ये करो एक दो तीन चार

है ना उसके अलावा राहुल त्रिभुवन का वेरी गुड तो फाइव ब्रोमो थ्री क्लोरो फोर हाइड्रोक्सी हैगजिनल इसका नाम बताओ ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए था डबल बॉन्ड तो सी एन कुछ होता ही नहीं है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ बताओ जरा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये मैं ऐसे ही ले आई मैं इनका पहले वाले भूल तो नहीं गए कहीं पे स्वादा ने भी नजरअंदाज हो गया सॉरी यार बेटू स्वादा तो गिन रही है ना कितने एग्जांपल कर रहे हैं हम्म देखिए इतना लंबा नाम कौन सबसे पहले चैटबॉक्स में लिख देता है उसके लिए भी जिगर चाहिए फरिया लिख रही है सिक्स इथाई फोर फाइव मिथाइल फोर फाइव नहीं है थ्री फाइव है अच्छा थ्री फाइव लिखा है थ्री फाइव मिथाइल टू हाइड्रोक्सी ऑक्टेन ऑक्ट थ्री इन बेटा तू थ्री इन नहीं देखा तूने फरिया इन की पोजीशन देखो अरे अंत का चेक करती हूं सिक्स इथाई थ्री फाइव मिथाइल टू हाइड्रोक्सी ऑक्ट इन भूल गए ईन किसने लिखा है कोई भी नहीं लिख रहा इन इन किसी ने भी नहीं मेंशन किया श्रद्धा का देखो सिक्स इथाइल थ्री फाइव डाइथल ऑक्ट थ्री इन नाइट्राइल सही है श्रद्धा का सही है बेटा डबल बोन की पोजीशन मिस कर दी इसका नाम हो जाएगा सिक्स इथाइल थ्री कोमा नहीं मिथाइल नहीं पहले हाइड्रोक्सी आएगा बी सी डी एफ जी एच हाँ इथाइल टू हाइड्रोक्सी थ्री कॉमा फाइव डाई मिथाइल ऑक्ट थ्री ई नाइट्राइल ऐसे नाम होगा इसका बड़ी अच्छे अच्छे से नाम है इसका करके देखो भाई क्या चमगादड़ है भाई इसको ऐसा करो इसको, इसको, इसको इस होमवर्क में करके कमेंट बॉक्स में देना ठीक है अब हाँ अब एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने कहा था ना तो ये पेजेस में छोड़ रही हूँ इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी तुमको बहुत ऐसा लगेगा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार अब हमें अब सब कुछ हो गया हमारा अब सिर्फ हमको प्रैक्टिस चाहिए ना वी नो एवरी 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 रूल इन नोम जस्ट दैट कि तुम्हें अगर तुम्हें तुम्हें तुमने सौ एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस कर लिया ना आप सब मिला के तुम मतलब नोमन टलेचर में अपूनिच भगवान वाली फीलिंग हो जाएगी तुमको ठीक है नोमन लेचर टफ नहीं होता थोड़ा सा लेंदी होता है और मेरे को तो इंटरेस्टिंग भी बहुत लगता है

ठीक है अब सारे कार्बन लो एक दो तीन चार पांच बाहर लिख दो, पेंटेन क्योंकि में क्या लिखना है? ये गलती से पावर चढ़ गई कुछ नहीं है, है? अंदर हमें क्या है में? अंदर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दोनों रिंग्स के कार्बन आइटम का नंबर लिखना है इधर कितने कार्बन आइटम है एक और दो ये फ्यूज वाले को छोड़ देना इधर कितने एक और दो तो टू कॉमर टू ये हो जाएगा पेंटेन इसका भी कर देती हूँ फिर इन दोनों नहीं इसका नहीं करूंगी इसका करूंगी इसका कैसे करेंगे स्पायरो स्पायरो स्क्वायर ब्रैकेट सारे कार्बन आइटम गिन लो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ यानी ऑक्टेन तो स्पायरो ऑक्टेन है ये अब इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो इधर है एक दो तीन और फिर इधर है एक दो तीन चार जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो फ्यूज्ड कार्बन को छोड़ देते हैं तो थ्री कॉमा फोर तो स्पायरो थ्री कॉमा फोर ऑक्टेन। इसका नाम बताओ इसका नाम बताओ किसमें इलेवन है बेटा नहीं वन वन नहीं है ना दो है देखो एक दो एक दो वन वन का है बेटा दो है ना जल्दी जल्दी बताओ देखो यहाँ पंडित भरत भूषण जी बता रहे हैं स्पायरो पेंटेन श्रद्धा सिंह बता रही पहले मैं तो क्या करती हूँ सारे एटम गिन लेती हूँ तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह अब अंदर कितने एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच स्पायरो फाइव फाइव अंडा नाम है इसका स्पायरो फाइव फाइव अंडा केन स्पायरो फाइव फाइव अंडा इसका नाम बताओ स्पायरो स्पायरो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और छह तो इधर हो गए सात आठ नौ दस डेकेन डेकेन अब अंदर क्या लिखूं अंदर क्या लिखूं स्पायरो जल्दी लास्ट वाला बच रहा है बस स्पाइरो फिर बाईसाइक्लो आ रहा है हम्म वंशिका वेरी गुड फोर फाइव गेमिंग गैल शाबाश बेटा वन टू थ्री फोर चार तो ये हो गए ठीक है और एक दो तीन चार पांच ही हो गए तो फोर कॉमा फाइव डेकन स्पाइरो अब नेक्स्ट आ रहे है बेटा बायसाइक्लो स्पाइरो क्या थे जिनका रूल था कि वन कार्बन एटम पे फ्यूज है बस सिंगल कार्बन एटम पे फ्यूज होते हैं ऐसे होते हैं ऐसे ऐसे सिंगल कार्बन पे फ्यूज होते हैं ठीक है बाईसाइक्लो वो होते हैं जो कि एक से अधिक कार्बन पे फ्यूज होते हैं ठीक है तो अब देखो एक से अधिक कार्बन पे फ्यूज है तो क्या करना है बाकी तरीका इसका भी वही है पहले लिखेंगे बाईसाइक्लो बायसाइक्लो ठीक है फिर लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट है ना और बाहर सारे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आइटम्स एक दो तीन चार है तो ब्यूटेन बाहर आ जाएगा ठीक है लेकिन उसमें अपन ने क्या किया था इसमें अपन ने इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाया था चार पाँच तीन चार इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर तो अब इसमें कितना है एक ये रहा एक ये रहा ठीक है और इधर जो बीच में कोई कार्बन है ही नहीं बीच में सिर्फ बॉन्ड है ऐसे कोई कार्बन नहीं है तो वन कॉमा वन कॉमा ज़ीरो ब्यूटेन वन किसके लिए आया इसके लिए आया वन किसके लिए आया इसके लिए आया और इधर जीरो क्यों आया क्योंकि इसमें कुछ नहीं था सपोज हमें बाईसाइक्लो वन 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 ब्यू पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है

ऐसा और ऐसा देखो तो एक ये रहा एक ये रहा रहा और एक ये तो है साइक्लो वन 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 पेंटेन बाय गॉड आज मेरे बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं रे क्या क्या सीख रहे हैं मतलब कि आज से सात दिन पहले तुम सोच सकते थे कि ऐसे कंपाउंड्स का नोम लेचर अपन लोग ऐसे चुटकी बजा के करेंगे नहीं सोच सकते थे तो मेरे बच्चे मतलब तो बड़ा खुशी हो रही है मुझे कि बहुत कुछ अच्छा बढ़िया सीख रहे हैं अब ये देखो बाय साइक्लो इसका नाम क्या हो जाएगा बाय साइक्लो ठीक है आ, इसमें लिखते क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्पायरो में इंक्रीजिंग में लिखते हैं इसमें डिक्रीजिंग में लिखते हैं स्पायरो में दो नंबर्स आते हैं इसमें तीन नंबर आते हैं तो एक दो दो इधर है एक दो तीन तीन इधर है और बीच में जीरो है बीच में जीरो है जीरो तो इसका कैसा था इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर था इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा तो थ्री, जीरो, और टोटल ऑफ कार्बन कितने एक दो तीन चार पांच छह सात हेप्टेन हेप्टेन समझे टोटल कार्बन आइटम एंड में आ जाते हैं तो बाईसाइक्लो थ्री टू हेप्टेन थ्री टू जीरो बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर फरीहा ठीक है अमृतापा ठीक है सही नहीं सही ने भी डिक्रीजिंग ऑर्डर लेगा थ्री टू जीरो होगा ना डिक्रीजिंग ऑर्डर हाँ वंश का करेक्ट ये बताओ तब तक बाई साइक्लो थ्री टू वन ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बनाओ बाई साइक्लो थ्री टू वन ऑक्टेन का स्ट्रक्चर मैं यहाँ ड्रा करती हूँ और इसका भी नाम देना है तुमको और इसका भी नाम देना है देखो बाई साइक्लो टू वन ऑक्टेन ये है, बनाया तुम लोगों ने बाईसाइक्लो साइकिलो थ्री थ्री जीरो ऑक्टेन श्रद्धा बता रही है आ, देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ ये तो पक्की बात है कि ऑक्टेन है क्योंकि आठ कार्बन आइटम गिनती में आ रहे हैं और ये भी पक्की बात है कि स्क्वायर ब्रैकेट से पहले बाईसाइक्लो लगेगा और ये भी पक्की बात है कि भाई ये जो ऑर्डर है वो अपना डिक्रीजिंग आएगा तो एक दो तीन एक दो तीन और जीरो थ्री थ्री जीरो किस किसने कर लिया बाईसाइक्लो साइकिलो थ्री थ्री जीरो ऑक्टेन परफेक्ट इजी लग रहे हैं इसका नाम मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है बाईसाइक्लो वन टू थ्री फोर फोर थ्री जीरो नो तीनों के नाम बताओ जरा अच्छा मैं इसका सॉल्ट है ये बता देती हूँ ये अपन ने बनाया भी था अभी एक अच्छा दो कार्बन पे फ्यूज होती है वो बाइसाइक्लो होता है और सिंगल कार्बन पे फ्यूज होती है वो स्पायरो होता है तो स्पायरो को पहचान जाना ये स्पायरो है ये स्पायरो है और ये बाईसाइक्लो है ठीक है तो बाईसाइक्लो साइक्लो वन वन ये पीले रंग से बना रही हूं मैं वन 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 पेंटेन इसका नाम बताओ स्वेदा ने भी सही आंसर दिया था वेरी गुड बेटू इसका नाम बताओ पहले वाले का एक दो एक दो एक अरे वन एट्रियम वेरी गुड बेटू सारे लेक्चर अटेंड कर लो नहीं मतलब नोम लेक्चर करे हुए बच्चे को आइसोमेरिज्म बहुत जल्दी समझ में आता है बहुत जल्दी बाईसाइक्लो टू वंशिका गैरी टू टू वन हेप्टेन और, गेमिंग गैलरी थी -थी -जीरो और उसके अलावा अमृतापा टू टू वन है मैम मुझे बाईसाइकिलो परिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है प्लीज एक बार ही बताओगे हाँ मैं बताती हूँ तमकना देख बाईसाइक्लो में ना तमकना क्या ध्यान रखना है सबसे पहला काम लिख दे अगर तेरे को समझ में आ गया कि ये किलो कंपाउंड है तो समझने का तरीका है कि दो कार्बन पे फ्यूजन होता है दो कार्बन पे फ्यूजन होता है ये तो समझने का तरीका है। समझ में आ गया बाइसाइक्लो लिख दो ठीक है स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो फिर टोटल कार्बन आइटम गिनो एक दो तीन चार पाँच छ सात हेप्टेन लिख दिया अब क्या करना है सिर्फ एक ही टास्क बचा है फ्यूज कार्बन के आजू बाजू कितने कार्बन है hmm. दो इधर है ये देख एक दो दो इधर है और एक इधर है अब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो क्या लिखेंगे बाइसाइक्लो टू, टू टू वन ठीक है वैसे शायद कॉमा भी नहीं लगाते हैं डॉट लगाते हैं इसमें डॉट भी लगा कहीं तुम्हें डॉट मिलेगा कहीं तुम्हें कॉमा मिलेगा अब इधर देखो ये दो कार्बन पे फ्यूज हो रहे हैं ना उससे हमको पता पड़ रहा है कि हाँ देखो इधर दे भी डॉट लगा रहे डोंट पुट कॉमा बेटा बुक्स में तुमको डॉट ही मिलेगा कॉमा नहीं मिलेगा ठीक है इसको करेक्ट कर लेना डॉट लगाते हैं डॉट ठीक है ये देखो इसके अंदर क्या है मामला दो कार्बन पे फ्यूजन है मतलब ये बायसाइक्लो है बायसाइक्लो लिखा फिर कार्बन आइटम गिन लो एक दो तीन चार पांच छह सात और एक आठ ये ऑक्टेन कर दिया तमगना समझ में आया ऑक्टेन अब क्या करना है नंबरिंग कैसे करनी है कार्बन कार्बन के आजू बाजू आटम गिनने हैं तो ये क्या है दो ये और में कैसे 3, 2, 1. 3 .2 .1. लगाना बेटा कॉमा नहीं लगाना गलती लगा इतने दिनों की रफत चढ़ी हुई है ना कॉमा की डॉट लगते हैं थ्री टू वन ऑक्टेन है ना अब इसमें इसका तो नाम हो ही गया और अब हम करते हैं बढ़िया से जेई के सवाल फिर छुट्टी कर देंगे खत्म नो मतलब करो इसको IUP, नेम ऑफ द कंपाउंड ट्वेंटी में आया हुआ है अच्छे से कंपाउंड्स का आज किया ही था तुम लोगों ने जल्दी जल्दी करो फटाफट फड़, खत्म करो इसको क्विकली फाइव मिनट्स फॉर फाइव क्वेश्चंस जल्दी जल्दी क्विकली क्विकली इसमें नाइट्रो बी कर रहे हो इसमें नाइट्रो को प्रायोरिटी देंगे बेटा नाइट्रो को प्रायोरिटी दी जाती है नाइट्रो बेंजीन डेरिवेटिव मान के करो नाइट्रो बेंजीन डेरिवेटिव मान के करो देखिए क्या करते हो नाइट्रो बेंजीन डेरिवेटिव नहीं नहीं नाइट्रो तो नहीं होगा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड नाइट्रो में बेंजलटिव हो गया नाम मुझे तो कोई सा भी सही नहीं दिख रहा इसका बेंजल डिवाइड होगा ये अमीनो एक मिनट चेक करना था कि मुझे कोई सा भी नाम सही नहीं मिल रहा हाइड्रोक्सी हा, हाइड्रोक्सी मिथाइल हाइड्रोक्सी मिथाइल है ना हाइड्रोक्सी मिथाइल और ये नाइट्रो नाइट्रो नहीं होगा वो बेंजल डिहाइड होगा तो ये हो जाएगा अपना अल्फाबेटिकल नोम करेंगे शुरू और दो दो से अधिक सब्सटीट्यूएंट यानी तीन या उससे ज्यादा सब्सटीट्यूएंट पर लोएस्ट सम रूल फॉलो करते हैं तो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री यहाँ से शुरू करेंगे एक बारी देखना या फिर किसका ज्यादा आ रहा है छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह इसका मतलब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से वन प्लस टू प्लस फोर प्लस फाइव यू स्टार्ट करेंगे नंबरिंग बेटा मुझे लग रहा है इसमें कोई भी सही नहीं है एक बार तुम लोग चेक कर लो वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है अब इसका अल्फाबेटिकली नेमिंग करो जरा कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है ये हो जाएगा हमारा फाइव अमीनो वन टू थ्री फोर फाइव कोई भी नहीं ना फाइव अमीनो है ना डी वाला है फाइव अमीनो ए बी सी डी फोर हाइड्रोक्सी मिथाइल टू नाइट्रो ये तो फोर्थ सही लग रहा है डी डी करेक्ट है. एकदम से इल्यूजन हुआ मुझे एकदम से इल्यूजन हुआ मेरे को लगा कोई सा भी सही नहीं है ठीक है कैसे किया देख लिया अपन ने जो इसमें एक तो वो वाला रूल लगा कि तीन से अधिक मतलब तीन या उससे अधिक सब्सटीट्यूंट होने पे हमें नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि लोएस्ट सम रूल मिले फिर जितने भी अपने सब्सटीट्यूंट थे उसको अपन ने अल्फाबेटिकली प्रेजेंट कर लिया ठीक है नेक्स्ट करो ये वाला करो

टू थ्री फोर वन टू इसमें रूल देख लेते हैं टू थ्री थ्री प्लस फाइव थ्री प्लस टू प्लस फोर ऑब्वियसली यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी बेटा हम्म तो ये हो जाएगा टू मिथाइल अभी देखो यहां सारे ऑप्शन गड़बड़ शड़बड़ दे रखे हैं तो फोर ब्रोमो

यूपीएस नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इसमें तीन हैं ये भी सब्सिट्यूट है ये भी मैं तो ऑप्शन देख ही नहीं रही हूं मेरे को ऑप्शन देख के चक्कर आ रहा है अभी मैं सिर्फ नाम बताऊंगी ऑप्शन तुम मैच कर लेना हाँ जी क्या आ रहा है विक्रम कह रहे हैं थर्ड आ रहा है और विनीत कह रहे डी आ रहा है ऑफलाइन क्लासेस लेने का कहा से टाइम लाऊ मैं 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 नहीं देखूंगी ऑप्शन मुझे इन के फॉन्ट से कुछ हो रहा है देखो वन ये मैंने तुम्हें क्या कहा था कि दो से अधिक सब्सिट्यूंट होने पर साइक्लिक कंपाउंड्स में गिनती इस तरह से की जाती है कि अल्फाबेटिकल नंबरिंग नहीं किया जाती लोएस्ट है रूल फॉलो किया जाता है तो मैं गिनती यहां से स्टार्ट करूंगी तो इसका नाम हो जाएगा टू इथाइल वन कॉम और वन डायल साइक्लोजन देख लो कौन सा टू इथाइल टू इथाइल वन अभी मुझे तीन वन दिखाई दे रहे हैं भगवान मुझे क्या हो गया मुझे ये तीन बार वन दिखाई दे रहे हैं वन वन डाई विद साइक्ट ये करो हाँ ये नहीं करना है अभी ई और जेड सिस्टम ऑफ नोम आप स्टीरो में करेंगे तो इसको काट ठीक है हाँ ये वाला इसमें नाइट्रोबेंजिन डेरिवेटिव माना जाएगा बेटा ये ये देख लेना बस नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव माना जाएगा हाफ सेंचुरी हो गई स्वधा क्या बात है हां जी देखो ये जिन डेरिवेटिव माना जाएगा दिस विल बी अ डेरिवेटिव और नंबरिंग यहां से शुरू कर दू वन टू थ्री एंड फोर तो ये हो जाएगा थ्री क्लोरो फोर मिथाइल साइक्लो नाइट्रोबेंजिन थ्री फ्लोरो थ्री क्लोरो फोर मिथाइल नाइट्रोबेंजिन थ्री क्लोरो फोर मिथाइल वन नाइट्रोबेंजिन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर सी बता रहे हो सही है परफेक्ट है तम, अच्छा एक चीज वो रह जाती ना तो फिर मेरे दिल पे बोझ भी रह जाता कि मैंने अपने बच्चों को एक चीज बताई नहीं है बेटा ये लास्ट चीज है जो नूमन क्लेचर में आपको नहीं पता है वो आपको पता नहीं बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ एक्चुअली क्या होता है जैसे सीडबल ओ एच आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है ठीक है ये मेन ही होता है और जब इसके कार्बन आइटम को आप मेन चेन में गिनते हो तो आप इसका सफिक्स लगाते हो ओइक एसिड ठीक है ओइक एसिड लेकिन कई बार ना ऐसी मजबूरी फंसती है कि आप इसको मेन चेन तो मैं तो आप इसको मेन फंक्शनल रूप तो मानते हो लेकिन फिर भी आप इसके कार्बन को मेन चेन में गिन नहीं पाते ऐसी कई मजबूरियां होती हैं तो मैं आपको एकाद एक आध कोई एग्जाम्पल देती हूँ जिसमें आप देखना कि आप इसके कार्बन को मेन चेन में नहीं ले पाओगे जैसे सपोज ये देखो ये देखो अब इसमें तुम जानते हो कि ये मेन है फिर भी तुम अब तुम्हारे पास ये रिंग कार्बन है और इसको मेन चेन में ले नहीं पा रहे हो तो अगर कभी ऐसा फंस गए हम कि भाई हम जानते हैं कि तुम बहुत वैल्यूएबल हो कार्बोक्सिलिक एसिड हम जानते हैं कि तुम बोलते हो जहां हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है फिर भी अगर किसी मजबूरी की वजह से हम तुम्हारे कार्बन आइटम को मेन चेन का हिस्सा ना बना पाए तो हमसे नाराज नहीं होना हम आपका नाम दे देंगे ओइक एसिड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड आपके कार्बन को अलग से भाव आरती कर देंगे आपके कार्बन आइटम के आगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड टर्म तब यूज होती है कार्बोक्सिलिक एसिड टर्म तब यूज होती है कार्बोक्सिलिक एसिड टर्म तब यूज होती है है जब ये मेन तो बट इसका कार्बन चेन का हिस्सा नहीं जैसे कि इसमें साइक्लोपेंटेन तो पेंट वर्ड में इसका तो कार्बन गिना ही नहीं है बनने इसके गिन लिए एक दो तीन चार पांच साइक्लोपेंट के पांच कार्बन तो रिंग में पड़े हुए हैं इसका कहा है नहीं है तो फिर इससे माफी मांग लो सॉरी

इस एग्जाम्पल में कैसे करोगे? श्रवरी वो तो रूल है इस दुनिया का नियम है पहली क्लास में भर के बच्चे आते हैं धीरे 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 बच्चे कम होते हैं इससे पहले वाले में सम के अकॉर्डिंग भी तो होना चाहिए था आ, कौन से वन शिका बेटू हाँ नहीं नहीं एमबी मैम तुमसे नाराज नहीं होती यू आर द बेस्ट वेयर एवर यू आर मैम आई जस्ट वांट टू मीट यू वंस जस्ट टू सी यू अ ब्यूटीफुलअर क्वीन यूनिवर्सस हु हैज द पावर टू रूल द वर्ल्ड ऑफ मिस्ट्री आई वांट टू मीट यू ऑल मेरे को तुम सबसे मिलना है कहाँ मिलोगे बताओ मैं आऊंगी धीरे धीरे सारे इंडिया में अनकाड़ी स्टोर्स, अनकाड़ी चक्कर में दिया था बंची का। हाँ इसमें पेंटेन की चेन सेलेक्ट अपन ने करी नहीं, नहीं इसमें पता क्या करना मैं इसके क्या करती हूँ बताती हूँ अगर तुम ये चेन सेलेक्ट करते हो ठीक है तो भी तुम फंसते हो क्योंकि ये कहेगा मेरे को क्यों छोड़ा इन दोनों को ले लिया तो मैं पता क्या करती हूँ इसका नाम जो कि बिल्कुल सही तरीका है मैं इन तीनों को ही छोड़ देती हूँ और इन तीनों से ही माफी मांग लेती हूँ मैं कहती हूँ तुम तीनों सर्वोपरि हो बहुत वैल्यूएबल हो बहुत इंपॉर्टेंट हो ठीक है मैं इनको यही बोलती हूँ कि तुम तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी इंपॉर्टेंस कम कर रही हूं बट मजबूरन मुझे छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि मैं पर्सियलिटी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं दो को ले सकती हूँ तीनों को नहीं ले सकती मेन चेन कैसे लेंगे अपन तीनों को तो मैं तीनों को छोड़ देती हूँ ये वो परिस्थिति है जब आप जानते हो कि ये मेजर फंक्शन रूप है और फिर भी आप इसे कार्बन को मेन चेन का हिस्सा नहीं बना पा रहे हो तो आप बोलोगे प्रोपेन प्रोपेन वन टू थ्री ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपने इसके कार्बन को अलग से वैल्यू कर दिया

सिमिलरली सिमिलरली सीएचओ का मेन चेन अगर कार्बन का हिस्सा हो तो अल और अगर मजबूरन मेन मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है फिर भी इसका कार्बन मेन चेन का हिस्सा नहीं है तो कार्बल डिहाइड डिहाइड ठीक है इसका नाम बताओ इसका नाम बताओ इसका नाम बताओ ठीक है सिमिलरली एक और वैसे इसको बोलते हैं कार्बमाइड मतलब इसको बोलते हैं अमाइड लेकिन अगर इसका मेन चेन चेन कार्बन में नहीं है तो कार्बमाइड सबके आगे कार्ब लगाना है कार्बो ऑक्सिडिक्बल डिहाइड कार्बोनाइट्राइल कार्बमाइड तो इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बल डिहाइड साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल साइक्लोब्यूट साइक्लोपेंटेन कार्ब एमाइड आई होप आई मेड इट क्लियर कानपुर ओके जरूर आऊंगी बेटा कभी ना कभी जरूर आऊंगी ठीक है साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइट्रेल तो आप समझे बात को अब ये देखो इसका क्या नाम दोगे सी एच टू सी एन सी एच टू सी एन सी एच टू सी एन इसका नाम क्या दोगे तीनों को मेंशन से बाहर कर दो और बोल दो प्रोपेन वन टू थ्री ट्राई कार्बोनाइट्रेड सी एच टू सी एच ओ सीएच टू सी एच ओ एंड सी एच टू सी एच ओ तीनों को मेन चेन से बाहर कर दो और बोल दो प्रोपेन वन टू थ्री ट्राई कार्बन डिहाइड प्रोपेन वन टू थ्री ट्राई कार्बेमाइड प्रोपेन वन टू थ्री ट्राई एसिड तो कार्ब आ जाता है अगर वो मेन भी रह जाता है और मेन चेन में उसका कार्बन नहीं है तो काफी मांग लो बस हैप्पी तो दिस वाज समथिंग जो हमने मिस किया था और अब मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है ठीक है ये वही कह रहा है देखो कार्बन अगर मेन चेन का हिस्सा है तो एक एसिड और अगर मेन चेन का हिस्सा नहीं है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे ही तो बोल रही है ठीक है तो आई होप वी आर डन विद ऑल द रूल्स ठीक है एंड अमीन अमीन्स एंड ईथर्स ये आपके ट्वेल्थ में आते हैं तो वहां इनका नोम होता है छोटे मोटे कुछ कुछ कंपाउंड्स हैं जिनका ट्वेल्थ में आता है मोस्टली हमने सब कुछ कवर किया है नाउ यू हैव टू कंपाइल ऑल द रूल्स इन पर्टिकुलर मतलब जो भी नोटबुक है और उसके बाद कम से कम सौ एग्जाम्पल अगर आप क्लास इलेवंथ में है तो अगर आप ट्वेल्थ में हो या ड्रॉपर हो तो इतना ज्यादा टाइम नहीं है फिर आपके पास फिर आप सिर्फ अपने वगैरह लगाओ नोम लेचक के अच्छे से और प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि काफी कुछ हम कवर कर चुके हैं अच्छा मीन मैं बताना चाहती हूँ इतने सारे लर्नर्स ने जो एडवांस ट्वेंटी क्रैक कर दिया तो मेरे बच्चे तैयार है ना क्रैक करने के लिए है ना ओके okay. चलो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि पे क्या हम बिफोर और आफ्टर में मतलब एक डिफरेंस आया हम तीन चार क्लास पहले तक क्या जानते थे और आज हम क्या जानते हैं उसमें कोई डिफरेंस अगर आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं अनसेट के लिए जरूर रजिस्टर करना है उड़ान कोड के द्वारा ठीक है अनसेट को नहीं छोड़ना है अनसेट एक एग्जाम है जो आपको ज़रूर देना है आठ अक्टूबर और पंद्रह अक्टूबर को ये शेड्यूल्ड है सब कैटेगरीज में ये एग्जाम हो रहा है ना केवल इसमें आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस मिल रही है स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में यूरो स्पेस सेंटर में बट मैं कहूंगी एक एग्जाम होता है एक एग्जाम का माहौल होता है उसको भी एक्सपीरियंस करो ठीक है ऐसी चीज़ें हमें ज़रूर करनी चाहिए लाइफ में मेरी मम्मी मुझसे एग्जाम दिलवाने के प्रति बहुत वो होती थी कि एग्जाम दो ठीक है तो एग्जाम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उससे आपको कई चीजें पता लगती हैं आप एग्जाम टाइम पे घबरा रहे हैं नहीं घबरा रहे हैं। वो सब चीज़ पता लगती है ठीक है इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ के जो एल डी यहां रेगुलर हो रहे हैं टाइनल डॉट कॉम डॉट कॉम स्लॉश प्ले जे आपका सारा कंटेंट वेल ऑर्गेज है बहुत ही प्यारे तरीके से पूरे पीडीएफ वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो सारे सेशन आपके हैं तो आप कहीं पर भी इसका बेनिफिट ले सकते हो लाखों बच्चे इसका बेनिफिट लेते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा हम कोई भी स्पेशल क्लास रखें यूट्यूब की क्लास रखें यहां लिंक जरूर आता है तो आप टाइम वेस्ट किए बिना क्लास ज्वाइन

प्रॉपरली वो टीचर्स मिलते हैं जो आपको बिल्कुल जेई की रैंक क्राक करने के लेवल का कंटेंट देते हैं ठीक है तो आपको कहीं भी ऑफलाइन में जाने की जरूरत नहीं है लाइव लीडर बोर्ड ऑप्शन से आपका ये जो पोल्स वाला ऑप्शन है वो आपको और ज़्यादा स्पोर्टी बनाता है कॉम्पिटिटिवनेस आपके अंदर जगाता है और उसके अलावा आपको डीपीपीस भर भर के मिलती हैं आपके लाइव डिस्कशंस होते हैं टीचर्स के साथ वीकली टेस्ट होते हैं क्विजेज होती हैं वी आर सो सो वेरी डिसिप्लिन अबाउट टेकिंग टेस्ट ऑफ़ आर यलगारी ठीक है so, so our our yogis, ये तीन बैचेज हैं और इनको इनकी रैंक बताते रहते हैं पेपर बनाने वाली टीम अलग होती है और पढ़ाने वाली टीम अलग होती है तो एवरी थिंग एंड ऑर्गेनाइज की अगर आप इनका हिस्सा हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे कंटेंट से पढ़ाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ ये यह लगती है कि कोई बच्चा बैक बेंचर नहीं है हर बच्चा जो स्क्रीन के सामने बैठा है वो मेरे सामने बैठा है हमारे दूसरे टीचर्स के सामने बैठा है आप पीछे नहीं बैठ सकते ऑनलाइन क्लास में इसलिए नहीं बैठ सकते क्योंकि आपके सामने जो है वो सबको एक सिमिलर एक्सपोजर है टीचर का भी और कंटेंट का भी ठीक है वैसा नहीं है जो शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है कि आगे दस बच्चों की लाइन बैठी हम सबसे पीछे बैठे थे हमें तो बोर्ड ढंग से दिख ही नहीं रहा था हमें तो आवाज ढंग से सुनाई दे रही थी हमको तो क्या लिख रहे हैं नजर नहीं आ रहा था वो पंगा कभी भी आपको हमारे यहाँ नहीं मिलेगा ठीक है एंड दो तरह के सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक।, आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा एक पर्सनल मेंटर मिल जाता है और उसके अलावा आइकॉनिक में आपका स्टडी मटेरियल घर पहुंचाता है तो थोड़ा सा प्राइसिंग वाइज हल्का सा हायर साइड है बट आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं उड़ान कोड यूज करके दोनों तरीके के सब्सक्रिप्शन में सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पक्का से कर लेना ठीक है आगरा अब, अब इतनी जगह आऊंगी तो तुमको कैसे ये बताओ सब जगह आऊंगी तो अरे वाह सही क्या लिखा है बेटा कहा सब जगह बुला रहे हो मेरे को है ना फरिया के पास भी आऊ जरूर आना आना चाहती बहुत लेकिन आना जरूर चाहती हूँ चलो बाय बाय बेटा बाय ऋषभ बाय रोहित बाय ईशा थैंक यू सो मच बेटू गॉड ब्लेस यू बाय फरीहा बाय रितिका बाय अमृतापा तुम लोग बस एक बारी जय क्रैक कर लो फिर मैं इंडिया का टूर मचाऊंगी ठीक है बाय 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 एवरीवन लव यू ऑल इसका जेएलडी जल्दी रखने वाली वंशिका में बाय बाय जल अभ्यास हाँ ठीक है बाय